अस्सलाम वालेकुम टू अनदर व्लॉग। खैरियत से होंगी। आज हम विज़िट कर रहे हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। तो कितनी खास चीज़ें हमने लेनी थी हम का, वैसे चलो घूम फिर आते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। वैसे हम घर से निकले थे, हमने कहा चलो बच्चों को घुमा लाते हैं कि पार्क में जा जा के बोर हो गए। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो इतना रश होता है, इतना रश है कि दिल घबराने लग गया था। तो यहाँ पर हम तो सो यहाँ घूमते हैं, चीज़ें वगैरह देखते हैं जो उसमें जाए घर लेंगे हम। तो यहाँ पे इतना रश होता है कि हम कुछ लेते ही नहीं हैं, क्योंकि पहले तो हम चीज़ें लो फिर ये तो काउंटर पे काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम वैसे ही विज़िट कर रहे थे यहाँ का, तो हमें का देखते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं और वैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे तो बच्चे बहुत तंग करने लग गया था, खासी में सब तंग किया हुआ था, वो भी रोने लग गया था काफ़ी। तो यहाँ पर हम तो सही विज़िट करते हैं, आप देखें कितने रश है यहाँ पर, हर तरफ लोग थे। यहाँ पर मैं देखती हूँ बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, उनका कुछ समझ आता है तो उनके लिए लेते हैं, लेकिन देने का मसला नहीं है, बंदा ले तो ले, लेकिन जो काउंटर पर टाइम लग जाता है उससे बहुत मसला होता है। छोटे बच्चे हैं तो वहाँ कौन रुका रहे और लाइनों में लगे, तो हम इसलिए यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर, ये इनका स्टाफ था, लेडीज स्टाफ। तो ऊपर वाले पोजीशन पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी और बच्चों के टॉयज वगैरह थे, तो हम उस पर इस पर थोड़े से घूमते हैं, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि टॉयज़ वगैरह बच्चे देख रहे हैं, तो आपको पता है क्या होता है, इनका रोना पोषण हो जाता है। क्या यहाँ पर से ही हम लोग से वापसी ताज़ा रोने लगा था, यहाँ से हम वापस निकल जाते हैं, वापसी पर हम इनको पार्क में लेके जाते हैं। ये न्यू पार्क है, यहाँ पर इसको लेके आए, ये देखिए न्यू पार्क था, इसमें काफ़ी जंपिंग भी, दो तीन किस्म के जंपिंग थे और बच्चों के प्लेइंग एरिया भी था यहाँ पर। वैसे भी टोकन वाले भी झूले थे यहाँ पर, काफ़ी झूले थे, और बस ये था कि यहाँ पर एक जैसे अंधेरा अंधेरा था, ज़्यादा रोशनी थी। यहाँ पे पकीज़ा को हमने ऊपर चढ़ा दिया था और कासिम आलमदार को नहीं चढ़ा था क्योंकि छोटा है ना, तो इसलिए तो यहाँ इसको खेला रही थी यहाँ पर, ये अपनी मस्ती लगा हुआ था। फातिमा ऊपर इंजॉय कर रही है, किसी फातिमा को जब भी हमने छोड़ दिया था, हम साइड पे बैठ गए थे, उस साइड पे था ट्रेन भी थी और प्लेइंग एरिया था और टोकन वाले झूले भी थे वहाँ पर, तो उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी थी। ये पार्क बहुत बड़ा है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो इस पर टोकन वगैरह लेते हैं और यहाँ पर इनको हमने बिठाया हुआ था यहाँ पर, इसकी इसका तो पेट भरता ही नहीं है भाई, इसे भी ले ले, इसका तो दिल ही नहीं भरता। अभी भी कह रही थी बाबा और लेने वाली लेने वाली लेने, एक से उधर दूसरे पर बैठ जाती, दूसरे तीसरे पर बैठ जाती थी। और ये मस्त मलंग साहब, ये तो बस इसको कोई झूले वगैरह की नहीं है परवाह, इसको बिठा दो बस, ये अपनी मैकेनिकी कर रहा था यहाँ पे। ये देखें कितने मज़े से ये खेल रहा है यहाँ पे, मजे ये अल्लाह अल्लाह वाली है, ये तंग नहीं करता माशाल्लाह से। और वो तो बस काजम डॉक्टर मैंने जुनेर को पकड़ाया था, क्योंकि मैं उठा उठा के मेरी बाजू दर्द शुरू हो गया था, थक चुकी थी मैं, तो उसको मैं बाबा को पकड़ा देती हूँ। तो इनको मैं ज़रा देख रही थी कि मैं इनका ध्यान रखती हूँ, आप उसको ज़रा उठा लें, क्योंकि माशाल्लाह वो भी हल्दी और उठा के घूम रही हूँ तो थक गई थी मैं भी काफ़ी, बाजू में दर्द हो गया था मेरा। और ये तो यहाँ से उतर ही नहीं, जब मैं बोलती थी आ जाए तो ये उतरता ही नहीं था यहाँ से। ये देखिए इसे सारे झूले लिए, कोई झूला नहीं छोड़ा,